लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बाहुबली को कराची में होने वाले पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग होने वाली है, जिसके लिए राजा मौली काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने बुधवार को फैंस को ये खुशखबरी देते हुए कहा कि बाहुबली की वजह से मैंने दुनिया कई देशों में यात्रा किया। उन्हीं यात्राओं में अब मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिल रहा है। गुरुवार को शुरू होने वाला ये महोत्सव 1 अप्रैल को खत्म होगा। पूरे 4 दिन तक चल रहे इस महोत्सव में डियर जिंदगी, आंखों देखी, हिंदी मीडियम, कड़वी हवा, नीलबटे सन्नाटा, सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियंस और मराठी फिल्म सैराट भी प्रदर्शित की जाएगी। बाहुबली की ख्याति देश ही नहीं दुनिया भर में हुई थी। बाहुबली पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसने 2000 करोड़ के क्लब में खुद को शामिल करने जा रही है। भारत में धमाल मचाने के बाद बाहुबली बहुत जल्द चीन में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि चीन में सेंसर बोर्ड ने बाहुबली को हरी झंडी दे दी है। बस फैंस को रिलीज होने का इंतजार है। इससे पहले भी चीनी बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। ऐसे में बाहुबली को शानदार रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है।